मैं नुजहत परवीन, एमएम टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। लॉकडाउन के चलते मुमरा में कई जगह नाकाबंदी लगाई गई, आने जाने वाले लोगों से कड़ी पूछताछ की गई। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मैं सैयद साजिद, एमएम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आज 2 तारीख है, लॉकडाउन लग चुका है, तो यहाँ मुमरा पुलिस चौकी के पास मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे पुलिस के द्वारा काफी नाकाबंदी किया गया है। नाकाबंदी करते हुए जो जरूरी काम के लिए बाहर निकले है उन्हीं को छोड़ा जा रहा है, बाकी को हिदायत देख के वापस भेजा जा रहा है। जो डबल सीट पर है उन पे कार्रवाई हो रही है, उनकी गाड़ी जब्त की जा रही है। आइए हम आज ऑफिसर से ही जानते हैं कि क्या कैसे ये कार्रवाई हुई जा रही है। जैसे कि बच्चे बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जा रहा है, उसी लिए उनको कुछ इजाज़त दी जा रही है हिदायत के साथ। जैसे देखा कि बच्ची को कुछ हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके लिए सर ने कुछ इजाज़त दी है जाने की। मेडिकल वाला काढ़ना बाहेर, मला आवाज येतो, मी तुला सांगतो मास्क नाही घातला। चल ठीक आहे, काय पाहिजे तुला माझ्याकडून घेऊन जाऊ। अरे यार बाबू, तुला काय सांगितलं, फक्त मेडिकल आज दूधवाला त्यांना सांगायचं हे असं असं चालू आहे म्हणून, एकदम मुंद्रातून पास व्हा म्हणायचं, तिने सोडलं तर मग मी पण येतो म्हणायचं। मला सांगितलं ना बाबू, तिथं नाव जाऊन सांगितलं माझं मुंबईतून पियासा करते साहेबाने, मला नाही सोडलं बिंदपणे। गाडी बाजूला लावायची तू। लॉकडाउन है 2 तारीख से लेकर अगले 12 तारीख तक, वो बढ़ाना पड़ा है और सरकार भी ये चाहती है और यहाँ का जो टीएमसी स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, ये भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे है ना कि जो अभी पेशेंट यहाँ पे एडमिट है वो भी रिकवर हो जाए और नए पेशेंट ना मिले, इसके लिए यहाँ पे है ना कि सख्त से सख्त लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो इसलिए हमने ये कंटेनमेंट जोन में से ये डिक्लेरेशन लिया है कि यहाँ का जो एंट्री पॉइंट है यहाँ से किसी को एंट्री नहीं दिया जाएगा और जो एग्जिट पॉइंट है यहाँ से भी किसी को एग्जिट नहीं दिया जाएगा। जो इसेंशियल है, जो यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल और जो दूध डेयरी जो बोला है उसमें भी मतलब कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक टाइम दिया है, उस बीच जितना काम होता है उतना ही काम करना है आप लोगों को। अगले 10 दिन आप लोगों को बहुत एहतियात रखना है और हमें ये जो कोविड की बीमारी है उससे बाहर निकलना है, उसके लिए जी इन लोगों को छूट दिया गया है अभी ऐसे सुबह 8 बजे तक जी, उसमें सुबह 8 बजे का जो है उसमें 5 बजे से लेकर 8 बजे तक बस खाली है ना दूध, जो मतलब कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और घर की जो इसेंशियल चीज है उन चीजों के लिए बोला गया है और बाकी मेडिकल और हॉस्पिटल और जो पेशेंट्स है उनके लिए बोला गया है, उनको ही बस खाली छूट दिए, बाकी हर जगह पे नाकाबंदी है, यहाँ से एंट्री और एग्जिट पूरा बंद किया गया है। Thank you.
जैसा कि आप जान रहे कि यहाँ लॉकडाउन का पालन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ के आम बाहर सड़कों पे गाड़ी वाहन लेकर पैदल लेकर चल रही है। वहाँ पे पुलिस अधिकारियों ने उनको सख्त सख्त चेतावनी देते हुए आज जो एक्शन है वो आज उनको चेतावनी देके छोड़ रहे हैं। आज हम सर से ही बात करेंगे। सर, ये जो लोग बाहर गाड़ी और ये सब पैदल जो निकल रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? खास आज 2 तारीख से 12 तारीख तक मुंबई सिटी में पूरा लॉकडाउन है। एसेंशियल सेवा, मेडिकल सेवा छोड़कर दूसरा कौन सी सेवा चालू नहीं है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उसके ऊपर ट्रैफिक नियमों की तरफ कार्रवाई चल रही है। सब मुंबई के सब आस्थापना बंद है। सब ओनली मेडिकल और दूध चालू है। बाकी की जो कानून तोड़ेगा उसके ऊपर स्ट्रिक्टली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो लॉकडाउन का पीरियड है 2 से 12 तक, वो प्रॉपरली हम पूरा लॉकडाउन करेंगे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस बढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे लोगों से भी निवेदन है, कोई कुछ भी लोग बिना कारण बाहर मत निकले। अगर कुछ अत्यावश्यक सेवा रहेगा, कुछ मेडिकल है, तो ही बाहर निकले, नहीं तो कोई बाहर मत निकले। जो बाहर घूमेगा उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। ये थे हमारे वलदकर साहब, जिन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए अपना मैसेज हमारे चैनल पे व्यक्त किया। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि और लोगों को भी वार्न करते हैं, जो जरूरी काम है उसी लिए बाहर निकले, वरना ना निकले नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आपको भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं था सैयद साजिद, MM टाइम न्यूज, हम है आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा कि आपने देखा और सुना, हमारे पुलिस अधिकारी किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें और घर पे रहें और पुलिस की सहायता करें। तो मैं नुज़हत परवीन तब तक के लिए आप सबसे इजाजत लेती हूँ। जल्द ही मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। MM टाइम न्यूज, हम है आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.